धर्म कहते हैं, आप लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ दान पेटी में भी डालते हैं और घर पे आके बढ़िया मछली पका के खा लेते हैं। कौन सा धर्म है मुझे नहीं पता, ये कौन सा धर्म है बताओ? हाँ भाई कौन सा धर्म है, ये कौन से शास्त्र में लिखा है तो बता दो। हैं, मांस खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो और मंदिर में जाके भी माथा टेको, ये कौन से धर्म में लिखा है मुझे नहीं पता। हैं, ये मनगढ़ंत धर्म है, मनगढ़ंत शास्त्र घर में बना लेते हैं आप लोग शास्त्र। सारे वेद तुम्हारे घर में पैदा हो जाते हैं इन बातों को लेके। जब आदमी को लालच हो जाए, जब आदमी को आदत हो जाए तो सारे धर्म को वही बना लेता है। सारे धर्म उसके बाप के, उसे पड़ी नहीं है शास्त्रों की और वेद की। माथा टेक लेगा, नमस्कार कर लेगा और वो भी बकवास कर लेगा। याद रखिएगा, ऐसे रावण भी करता था, यज्ञ भी करता था और मांस भी खाता था। अंत क्या हुआ रावण का? एक भी आदमी रावण नाम ना रख रहा अपने बच्चों का। क्यों? द्विमुखी, दो प्रकार का। यज्ञ करने वाला मांस खाएगा तो समाज में कैसा संदेश जाएगा? बुरा। पंडित जी बेचारे मंत्र बोले, पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थांगते विवा, बोलते भाई तू यज्ञ करने बैठा है, तेरा मांस भांस सब भूल जा और तू नहाके नहीं आया तो मैं नहला देता तुझे छीटा मार मार। हैं, पवित्र होकर यज्ञ सत्कर्म करें, कहीं भी जाइए। अगर किसी को भगवान का घर मान लिया है तो भगवान के घर में अंडा मांस गटा का बटका खाने वालों की क्या जरूरत है? वहां तो अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, तो फालतू लोग वहां जाओ मत, कोई आवश्यकता नहीं है। अंडा खाओ, मांस खाओ, गुटखा खाओ, शराब पियो और अपनी दुनिया में रहो, रावण वंशी हो। ए भाई, राम वंशी काय को खाएंगे? राम के जो वंशी है, जो राम की औलाद है, वो तो भाई सात्विक भोजन करेगी, वो तो ठाकुर जी को जैसा लगता है वैसा खुद खाते हैं। तुम्हारे देवता पता नहीं कौन से हैं जो तुम्हारे देवताओं को ऐसा भोजन लगता है जो तुम ऐसा भोजन करते ही। सत्यम गते न दर्शनम, आदमी जब गलती करता है तो चंद्र देवता जैसा ही श्राप उसे लगता है, फिर वो रोगी हो जाता है। और एक बार रोग शरीर में घुस गया तो फिर आदमी को पछताने से कोई फायदा? अच्छा बताइए, डायबिटीज हो जाने के बाद कोई भगत बने तो क्या फायदा है? अब ये निकल थोड़ी रही है, अब कितनी भी भक्ति कर ले ये तो अंत समय तक जाएगी, चिता में जाके ही चीटियां नहीं खाएंगी तुमको, नहीं तो डायबिटीज खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। तो कुछ बीमारियां श्राप की हैं, ये डायबिटीज भी श्राप ही है, याद रखना। ये बीपी बीपी आगे पीछे हो जाता ना, ये भी श्राप है, ये भी निकलता नहीं है। ऐसा ही रोग चंद्र देवता को लगा, क्षय रोग। क्षय रोग का दूसरा नाम है ज्वर, ज्वर का तीसरा नाम है छोटा बुखार, और छोटे बुखार का तीसरा नाम है लीवर फीवर। लीवर को बुखार आ जाता है, आदमी अब बचेगा नहीं, अब तो मरेगा। अब कैसे बचाए? तो कहा, धर्म ही है तेरा अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। हाँ जी, बिना धर्म के आदमी को कोई बचा नहीं सकता है। सारे डॉक्टर, सारी दवाएं, सारी औषधियां जब निष्काम हो जाएं, जब काम न आए, तो सारे डॉक्टर और सारे लोग सलाह क्या देते हैं कि भाई अब तो भगवान का ही जप करो, भगवान ही रखवाला है, हमारा प्रयत्न तो समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता हमें नहीं दिखता है। जब एंड में जो बात होने वाली है उसे शुरू में ही कर लो। जब परिस्थितियों में सब स्थिति खराब हो जाए तब भगवान से जुड़े तो क्या फायदा। समय से पहले जुड़ जाओगे तो फिर वो दाग नहीं लगेगा जो चंद्रमा को लग गया है। बेदाग मृत्यु को प्राप्त कर लोगे तो भगवान को यहां मौका मिलेगा इंद्र बनने का, कुबेर बनने का। उनकी ड्यूटी बदलती रहती है, आप ऐसा मत समझना कि एक ही कुबेर हमेशा रहता है। न, हम ही कुबेर बन जाते वहां जाके, हम ही इंद्र बन जाते वहां जाके। क्यों? भगवान की यही तो अद्भुत लीला है, भगवान की सेवा में भी रिटायरमेंट है। इसका हो गया, हटो दूसरा आने दो। क्यों? हर जगह पर जवानी काम करने वाली चाहिए, चाहे वो संसार हो, तुम्हारी ऑफिस हो, चाहे भगवान की ऑफिस हो, सब जगह पर कर्म करने वाले लोग चाहिए। ये बूढ़े टेढ़ों की तो कहीं भी जगह ना, इनकी तो कहीं जगह है ही ना बेचारों की, बड़ी तकलीफ है। इसीलिए भगवान करे तुम्हारा बुढ़ापा गायब हो जाए, तुम एकदम 25 साल के हो जाए सब जवान। और भगवान कहते हैं कि बुढ़ापे में भी आदमी जवान अर्थात कर्म करने वाला,
साधना करने वाला, बुढ़ापे में भी आदमी कर्म करने वाला हो सकता है, जवान हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो कहा उसकी आत्मा और मन और बुद्धि ये पावरफुल हो जाए तो शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता, शरीर कैसा भी रहो फिर चलता है काम। कैसे? अब सुनिए, चंद्र देवता के ऊपर रोग ने प्रभाव डाल दिया, चंद्र देवता भयंकर रोग से त्रसित हो गया। अब चंद्र देवता को कोई सहारा नहीं मिला तो सतगुरु भगवान बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति से जाकर के अपनी बात कही तो बृहस्पति देवता ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और सबसे सलाह ली, भाई बताओ क्या करना चाहिए, ये बेचारे को ऐसी तकलीफ है, तुम्हारे पास कोई युक्ति है, तुम्हारे पास कोई तकलीफ की औषधि है? सब देवताओं ने कहा गुरुदेव आपके सामने हम लोग बताएं तो अच्छा नहीं लगता, आप ही कोई रास्ता बताइए। उसी समय बृहस्पति ब्राह्मण ने सतगुरु के रूप में चंद्र देवता को कहा कि दुनिया में समस्त रोगों को केवल एक ही वैद्य ठीक कर सकता है और उस वैद्य का नाम है शंकर भोलेनाथ। अब शंकर की शरण में चले जाओगे तो वो ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कटे कटाई को भी जोड़ देता है, तो बीमारी का बड़ा डॉक्टर है वो, तो गर्दन कट गई तो जोड़ दी फटाफट, इतना नाम है उनका। और जो 24 घंटे जड़ी बूटियों का ही दर्शन करते शंकर कैलाश पर, उनको ही ज्ञान है इनका। इसीलिए एक तो ये ज्ञान हो गया कि भगवान शंकर को सबसे ज्यादा वैद्य ज्ञान था और दूसरा ये हो गया कि भगवान शंकर मृत्यु के स्वामी हैं, इसीलिए जिनको मृत्यु आ गई है उनका रखवाला केवल और केवल भगवान शंकर है। जाओ और उदरी पकड़ लो पैर, वही छोड़ सकते हैं। क्यों? मृत्यु का अधिकार उनको ही है, क्षमा वो ही कर सकते भैया। अब इसमें ब्रह्मा कुछ ना करे, विष्णु कुछ ना करे, इंद्र कुछ ना करे, कुबेर कुछ ना करे, यमराज यमदूत भी कुछ ना करे, अब तो केवल शंकर ही बचाएंगे, क्या करूं फिर? बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा कि ऐसी जगह पर जाओ जहां कोई प्राणी न आता जाता हो। याद रखिए भजन ध्यान ऐसी जगह करना चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो। भजन ध्यान की जगह वो है जहां व्यवहार ना हो। अगर जहां व्यवहार है वहां भजन नहीं हो सकता, वहां ध्यान नहीं हो सकता। वहां तो लोग नियम पूरा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पर ध्यान नहीं कर सकते। और जाप का फल ताप मिटे, ध्यान का फल ज्ञान मिले। ध्यान से ज्ञान, जाप से ताप मिटता है। तो भगवान चंद्र देवता ऐसी जगह चले गए जहां पर कोई आता जाता ना हो, बीहड़ जंगल, समुद्र का तट, वहां पर भगवान श्री शंकर जी की आराधना करने के लिए चंद्र देवता बृहस्पति ब्राह्मण से मृत्युंजय मंत्र लेकर चले गए और मृत्युंजय मंत्र का चतुर्मुखी स्वरूप में पूर्व दिशा में मुख करते हुए चंद्रमा ने सूर्य का दर्शन करके भगवान शंकर के लिए आंखें बंद कर ली। अब ये आंखें तब खुलेंगी जब शंकर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसको साधना, संयम और जिद बोलते हैं। गुरु की आज्ञा मानेंगे, गुरु के दीक्षा का नियम पालेंगे तो भगवान विष्णु, शंकर, राम और कृष्ण, जिसको भी तुम भगवान मानो, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। पर गुरु की दीक्षा के नियम कौन पालता है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? थोड़ा बहुत गुरु को मानते हैं पर गुरु के नियम नहीं पाल सकते, भाई कठिन है, दुर्लभ है। पर सच में दुर्लभ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, दुर्लभ बिल्कुल नहीं होता है। देखो आदमी शुरू शुरू में भी शराब ना पीता, आदमी शुरू शुरू में बीड़ी भी ना पीता, सिगरेट भी ना पीता, और एक बार धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो बोतल की बोतल ठोक लेता है कि नहीं? ऐसे ही भजन की भी आदत थोड़ी थोड़ी हो जाती है, फिर कितना भी भजन कर लेता है, पर उस रास्ते पे जाने के लिए थोड़ा कड़वा तो पहले पहले शराब कैसी लगती है बताओ भाई, मुझे तो अनुभव ना, मैंने शराबियों को देखा जरूर है, हाँ मैंने शराबियों को देखा जरूर है। याद रखिए शराब का प्याला पीने के बाद में शराबी का थूक जरूर निकलता है, वो मुंह से थूकता जरूर है शराबी। इसका मतलब मुझे पक्का आइडिया हो गया कि शराब के अंदर कोई रस नहीं है, उसे पीने के बाद उसे थूकना ही पड़ता है, थूकता जरूर है। और शराब की बुराई को छुपाने के लिए शराब के साथ में कुछ न कुछ उसे खाना भी पड़ता है, कुछ न कुछ खाता भी है, उसकी बुराई छुपाने के लिए करता है ये सारी चीजें, ये ध्यान रखो। तो शुरू शुरू में जैसे शराब पीने वाले को आदत नहीं होती, वो पीना सीखता है, आदत हो जाती है, शुरू शुरू में उसे बुरा भी लगता है, मुंह भी बुरा बना लेता है, कड़वा दिखता होगा,
वो उल्टियां भी कर लेता है। ऐसे ही शुरू शुरू में ध्यान में समाधि में भजन में थोड़ी तकलीफ होती है, पर आदत बना ली तो कोई तकलीफ होती